नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पलवल जिले के गांव गहलब में होली का पर्व उस समय अभिशाप में बदल गया जब दो दिन पहले हुई मामूली कहासुनी की रंजिश में गांव के 26 वर्षीय युवक की आधा दर्जन से अधिक युवकों ने धुलेड़ी की शाम गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक युवक के पिता की शिकायत पर बहीन थाना पुलिस ने 6 नामजद समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अभी सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। बुधवार को जहां देश में प्रेम और भाईचारे के प्रतीक होली के पावन पर्व पर लोगों की ओर से एक दूसरे को रंग लगाकर और गले मिलकर बधाई दी जा रही थी, वहीं देर शाम गांव गहलब में एक 26 वर्षीय युवक महेश सहरावत की गांव के ही आधा दर्जन युवकों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले में मृतक महेश के पिता शेर सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि बुधवार की शाम करीब 8 बजे उन्हें सूचना मिली कि उनके बेटे पर हमला हुआ है। जैसे ही वे घटना स्थल गांव के अड्डे पर पहुंचे तो वहां उन्हें महेश का दोस्त मुकेश मिला। मुकेश ने बताया कि वो दोनों बाइक पर सवार होकर गांव के अड्डे पर पहुंचे थे। वहां पहले से घात लगाकर बैठे आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने महेश को गोली मार दी। पीड़ित के मुताबिक इस वारदात में गांव गहलब निवासी धर्मपाल पुत्र होशियार और शेखर पुत्र ब्रह्मजीत, गतपुरी निवासी मुकेश उर्फ सूखा पुत्र जयपाल, दानी उर्फ लंगड़ा निवासी गांव कामर यूपी और दो तीन अन्य भोला पुत्र बिजेंद्र नंबरदार, सूरज पहलवान पुत्र धर्मवीर निवासी गहलब सभी ने महेश को घेर लिया। मुकेश उर्फ सूखा ने महेश को सीधे गोली मार दी। सभी हथियारों से लैस होकर आए थे। आनंद फानन में महेश को पलवल के नागरिक अस्पताल ले जाया गया जहाँ उसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। गोली मृतक युवक के सिर में लगी। मृतक युवक महेश एक दुकानदार था। पुलिस ने मामले में शिकायत के आधार पर सभी नामजद और अन्यों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि दो दिन पहले मृतक युवक महेश की आरोपियों से किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई थी, बस उसी बात की रंजिश रखते हुए आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पलवल के नागरिक अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया जाएगा। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें गठित कर दी गई हैं। जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। पलवल से हमारे संवाददाता विकास ओहल्यान की रिपोर्ट। लड़का आया बलापुर, लड़का उधर पड़ा है। अच्छा, हाँ। तो फिर आप मौके पर पहुंचे तो कैसी हालत थी? मौके पर कोई भी उसके पास ही नहीं जा रहा था। अच्छा, हाँ। तो आपने देखा तो क्या मारा था, किस तरह मृत घोषित पड़ा था? गोली लगी है ऐसे पड़ा सीधा। गोली लगी थी? कहाँ गोली लगी? फिर से पीछे कौन लोग हैं मारने वाले जिन्होंने गोली मारी है? गांव के कुछ बाहर के। गोली मारने वाला है वो, क्या नाम है, भुर्जे का है वो। भुर्जे का मैं नाम याद नहीं कर पा रहा। कितने लोग थे गोली मारने वाले टोटल? वो छह थे। कोई रंजिश थी पुरानी कोई? ना, कोई रंजिश नहीं। क्या काम करता था आपका बेटा? कपड़े की दुकान में आते थे। कल घर से क्या क्या कर रहा था? घर से वो हाँ खेल रहे थे यार बस। कल होली थी नहीं, होली पर हम खेल रहे। पुलिस को शिकायत दी थी? हाँ दे दी। बस अड्डा गल पर है, महेश बाप का नाम है शेर सिंह। ये बस अड्डे पे जा रहा था, चार पांच लड़कों ने घेर के इसको गोली मार दी सर में, इसकी मौत हो गई। और इसके पिताजी के बयान पर 302 का मुकदमा दर्ज कर दिया और पोस्टमार्टम करवाने के लिए यहाँ आई है, आगे जांच आ रही है। कारणों का कोई सामने निकल के आया किस कारण से? कारण की दो दिन पहले कहा सुनी हुई थी ठेका पर, उस बात को लेकर निकल झगड़ा हुआ। किसी आरोपी की गिरफ्तारी की या कोई टीम की गिरफ्तारी नहीं हुई? हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।